नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 और मैं हूं आपके साथ शिवानी। श्रावणी मेला शुरू होने वाला है और सभी जगह कांवरियों के जाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं सावन में देवघर जाने के लिए कई नई ट्रेनें भी शुरू की जा रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। श्रावणी मेले में देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने 8 जोड़ी श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। स्पेशल ट्रेनों का परिचालन 16 जुलाई से अलग अलग दिन यानी 16 अगस्त तक प्रतिदिन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार 8 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के अलावा सुल्तानगंज स्टेशन पर 2 मिनट तक का ठहराव दिया गया है। इसमें पटना, गया, रांची, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, आसनसोल और सहरसा आदि जैसी रूटों से ट्रेनों का आवागमन होगा। आइए अब जानते हैं कि कौन सी ट्रेन कब चलेगी। आसनसोल पटना श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन जो कि 17 जुलाई से 14 अगस्त तक सप्ताह में 2 दिन यानी बुधवार और सोमवार को चलेगी। वहीं पटना जंक्शन से यह ट्रेन 23:55 पर खुलकर अगले दिन 7:40 पर आसनसोल पहुंचेगी। वहीं गया जसीडीह श्रावणी मेला जनसाधारण स्पेशल ट्रेन जो कि 16 जुलाई से 15 अगस्त तक सप्ताह में 5 दिन चलेगी और गया स्टेशन से 20:55 यानी प्रत्येक शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मंगलवार एवं बुधवार को 20:55 पर खुलकर 23:50 पर पटना पहुंचेगी। वहीं पटना से रात 12:10 पर खुलकर ये ट्रेन 5:50 पर जसीडीह वापस पहुंचेगी। वहीं पटना गया श्रावणी मेला एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन में 16 जुलाई से 15 अगस्त तक प्रतिदिन चलेगी और पटना से 10:30 खुलेगी। वहीं सहरसा भागलपुर श्रावणी मेला जनसाधारण स्पेशल ट्रेन जो कि 16 जुलाई से 15 अगस्त तक प्रतिदिन चलाई जाएगी, वहीं सहरसा से प्रतिदिन यह ट्रेन 7:00 खुलकर 11:30 भागलपुर पहुंचेगी। वहीं मुजफ्फरपुर भागलपुर श्रावणी मेला जनसाधारण स्पेशल ट्रेन जो कि 16 जुलाई से 15 अगस्त तक प्रतिदिन चलाई जाएगी। वहीं बात करें दानापुर साहिबगंज श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन की, तो उसका परिचालन सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक किया जाएगा। अब इस ट्रेन का परिचालन मेला अवधि तक रविवार को भी किया जाएगा। वहीं ये ट्रेन 21 एवं 28 जुलाई तक और 4 एवं 11 अगस्त तक चलाई जाएगी, जिसके बाद रांची भागलपुर श्रावणी मेला स्पेशल जो कि 15 जुलाई से 7 अगस्त तक प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को 22:00 खुलकर अगले दिन 13:40 पर भागलपुर पहुंचेगी। तो ये थी वो ट्रेनें जिन्हें सावन के अवसर पर शुरू किया जा रहा है। तो ऐसे ही तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए न्यूज 11। नमस्कार। न्यूज 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।